ओके हाय एवरीवन। सो आज हमें एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करना है, क्वेश्चन नंबर 18। सो इट सेज द वेसल कंटेन्स वाटर अप टू हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड अबव इट एन ऑयल अप टू अनदर 20 सेंटीमीटर। द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ द वाटर एंड द ऑयल आर 1.33 एंड 1.3 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द अपीयरेंट डेप्थ ऑफ द वेसल व्हेन व्यूड फ्रॉम अबव। ओके सो व्हाट इज गिवन, हमारे पास एक वेसल है, इस तरह से आपके पास एक वेसल है एंड इस वेसल में इनिशियली जो 20 सेंटीमीटर की हाइट है वहाँ पे हमारे पास वाटर है एंड इसके ऊपर जो 20 सेंटीमीटर की हाइट है वहाँ पे हमारे पास ऑयल है। सो लेट्स से हम ब्लू कलर यूज़ करते हैं वाटर के लिए इस तरह से। सो ये जो वाटर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है 1.33 एंड येलो कलर हम यूज़ करेंगे ऑयल के लिए। ये जो ऑयल है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1.3 गिवन है। नाउ जो ऑब्जर्वर है वो टॉप से इस वेसल के बॉटम को देखता है। सो लेट्स से इस वेसल के बॉटम में हम एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट पी। नाउ जिस पोजीशन पे पॉइंट पी की इमेज इस ऑब्जर्वर को दिखाई देगी उसी पोजीशन पे इस वेसल का बॉटम भी दिखाई देगा, राइट? बिकॉज जो पॉइंट पी है वो तो इस वेसल के बॉटम पे है। सो जितनी डेप्थ पे पॉइंट पी दिखाई देगा उतनी ही डेप्थ पे इस वेसल का बॉटम भी दिखाई देगा। सो सिंपली ये फाइंड आउट करो कि ये जो पॉइंट पी है ये कितनी डेप्थ पे दिखाई देगा इस ऑब्जर्वर को। सो क्या करेंगे आप, देखो इसके दो मेथड है, एक तो सिंपल मेथड है विदाउट यूजिंग एनी फार्मूला एकदम बेसिक से, और जो सेकेंड मेथड है उसमें आप डायरेक्टली फार्मूला यूज करोगे। सो हम दोनों मेथड की बात करेंगे, पहले एकदम बेसिक से करते हैं विदाउट यूजिंग एनी फार्मूला। सो पॉइंट पी से एक रे ऐसे जाएगी, एक रे ऐसे जाएगी, राइट? सो यू कैन सी कि ये जो इंटरफेस है ऑयल और वाटर का यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। सो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे इस तरह से। नाउ जो वाटर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इट मींस वो डेंसर है। सो डेंसर से रेयरर जब रेज आती है देन अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होती है। सो अवे फ्रॉम नॉर्मल कुछ इस तरह से बैंड हो जाएंगी रेज। सो यू कैन सी पीछे एक्सटेंड करने पे आपको एक वर्चुअल इमेज मिलेगी, रिफ्रैक्शन से जो वर्चुअल इमेज बनती है, लेट्स से I1। नाउ I1 का लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए लेट्स से यू नो जहाँ से रिफ्रैक्शन हो रहा है उस सरफेस से जो अपेरेंट डेप्थ है दैट इज H1। सो H1 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, अगेन आप देखो कि प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन से जब इमेज बनती है देन अपेरेंट डेप्थ H1 डिवाइडेड बाय एक्चुअल डेप्थ। एक्चुअल डेप्थ जो है पॉइंट पी का वो तो 20 सेंटीमीटर है। सो H1 बाय 20 अपेरेंट डेप्थ डिवाइडेड बाय एक्चुअल डेप्थ इज इक्वल टू μ2 बाय μ1। μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में रे जा रही है ऑयल में जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.3। μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम से रे आ रही है वाटर से आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। सो H1 का जो वैल्यू निकल के आएगा दैट इज 20 इंटू 1.3 डिवाइडेड बाय 1.33। सो इसको जब आप सॉल्व करोगे सो H1 की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी 19.54 सेंटीमीटर। सो H1 आ गया। नाउ आप देखो कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है जो कि ऑयल में ट्रेवल करती है ये फर्दर और आगे जाएगी इस तरह से, और यहाँ पे भी ये रे ऐसे आगे जाएगी यहाँ पे। सो सेकेंड रिफ्रैक्शन होगा ऑयल के टॉप सरफेस से, है ना, अगेन नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। सो आप देखो कि जब ये जो रेज है ऑयल में ट्रेवल करके ऑयल के टॉप सरफेस पे जाती हैं जहाँ पे सेकेंड रिफ्रैक्शन होने वाला है, उस सरफेस को ऐसा लगेगा कि ये जो रेज आ रही हैं ये तो I1 से आ रही हैं, उसे थोड़ी ना पता है कि बीच में रिफ्रैक्शन हो गया है, राइट? सो सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा I1, राइट? नाउ आप देखो कि ये जो ऑयल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.3 और ऊपर आपके पास एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। सो अगेन डेंसर से रेयरर जाने पे अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हो जाएंगी रेज कुछ इस तरह से, समथिंग लाइक दिस। नाउ अगेन जब आप इनको पीछे एक्सटेंड करोगे सो यहाँ पे आपको इमेज मिलेगी, लेट से जो इमेज है दैट इज I2। सो आप देखो कि ये जो ऑब्जर्वर है इसको कौन सी इमेज दिखाई देगी, I2 इमेज दिखाई देगी, बिकॉज ये जो फाइनली रिफ्लेक्टेड रेज है जो कि एयर में ट्रेवल करती हैं ये जाएंगी इस ऑब्जर्वर की आंख में। ये आपको काफ़ी दूर दिख रही है बट ये पेरेक्सियल रेज है, ये ऑब्जर्वर की आंख में जाने वाली है, राइट? सो इस ऑब्जर्वर को I2 दिखाई देगा। I2 का लोकेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगेन रिफ्रैक्शन के कारण जो इमेज बनती है उसका फॉर्मूला अपेरेंट डेप्थ बाय एक्चुअल डेप्थ। सो अपेरेंट डेप्थ टॉप सरफेस से लेट्स से अपेरेंट डेप्थ जो है दैट इज H2। सो
सो अपेरेंट डेप्थ हो जाएगा एच टू डिवाइडेड बाई एक्चुअल डेप्थ. सो एक्चुअल डेप्थ दैट इज बेसिकली आई वन, क्योंकि आई वन ऑब्जेक्ट है ना. सो उसकी जो डेप्थ होगी वो आप देखो कितनी है, ये आपका आई वन है ना, ये आई वन है. सो यहाँ से लेकर के ये जो है ऑयल की डेप्थ है 20, और फर्दर इसमें एच वन आपको एड करना पड़ेगा, राइट. सो दैट इज एक्चुअल डेप्थ. सो इट विल बी एच वन प्लस 20. एच वन का जो वैल्यू है वो है 19.54. सो अपेरेंट डेप्थ बाय एक्चुअल डेप्थ इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन. म्यू टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में रे जा रही है, सो एयर में जा रही है, उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1. म्यू वन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम से रे आ रही है, सो ऑयल से आ रही है, उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है 1.3. सो यहाँ से आप देखो एच टू डिवाइडेड बाय 20 प्लस 19.54 दैट इज 39.54 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.3. सो एच टू का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज 39.54 डिवाइडेड बाय 1.3. सो ये सेंटीमीटर में ये वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेना. इतनी डेप्थ पे इस ऑब्जर्वर को आई टू दिखाई देगा, बेसिकली पॉइंट पी की इमेज दिखाई देगी, और इतनी ही डेप्थ पे इस वेसल का बॉटम दिखाई देगा, राइट. ये तो हो गया सिंपल एकदम बेसिक से. नाउ जो सेकेंड मेथड है उसमें आप क्या करोगे, शिफ्ट का फॉर्मूला यूज करोगे. ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी के ऊपर इस तरह से हमारे पास काइंड ऑफ एक स्लैब है. इस स्लैब की जो थिकनेस है वो है 20 सेंटीमीटर, एंड ये जो स्लैब है ये वाटर की है, जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है 1.33. इसके ऊपर एक और स्लैब है ऑयल की, जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है 1.3, और उसकी भी थिकनेस है 20 सेंटीमीटर. सो जो शिफ्ट आता है ना इमेज की लोकेशन पे स्लैब के कारण, वो होता है टी इंटू 1 - 1/μ. टी क्या है थिकनेस, म्यू क्या है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स. सो ये जो फर्स्ट वाली स्लैब है इसके कारण जो शिफ्ट आएगा दैट विल बी थिकनेस इंटू 1 - 1/1.33. जस्ट अ सेकंड, आई विल बी बैक. ओके फाइन. सो आप देखो कि जो फर्स्ट वाली स्लैब है उससे जो शिफ्ट आएगा इतना होगा, सेकंड वाली स्लैब से जो शिफ्ट आएगा इसकी थिकनेस है 20 इंटू 1 - 1/, इसका जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो है 1.3. सो लेट से ये है S1 और ये है S2. सो जो नेट शिफ्ट आएगा दैट विल बी S1 प्लस S2. सो यू कैन फाइंड आउट दिस वैल्यू. इट विल बी S1 20 1 - 1/1.33 प्लस 20 इंटू 1 - 1/1.3. सो ये वैल्यू आप देखो 20 इंटू 0.33 डिवाइडेड बाय 1.33 प्लस 20 × 0.3 / 1.3. सो ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेना. ये क्या है शिफ्ट, जो पी की इमेज बनेगी उसमें इतना शिफ्ट आएगा, और जो शिफ्ट है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आएगा. बिकॉज आप देखो ये जो दो स्लैब्स है ना इनका जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो ग्रेटर देन 1 है ना. बेसिकली ये डेंसर स्लैब है. सो जब आपकी डेंसर स्लैब होती हैं और यू कैन से जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो ग्रेटर देन 1 होता है, सो उस केस में जो शिफ्ट होता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होता है. सो इंसिडेंट जो रेज है पॉइंट पी से, जो इंसिडेंट रेज है वो तो ऊपर की तरफ जा रही है, सो उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा. सो जो इमेज बनेगी वो यहाँ पे बनेगी, राइट. और कितना शिफ्ट होगा, ये जो नेट शिफ्ट हमने फाइंड आउट किया है ये नेट शिफ्ट है. सो जो डेप्थ दिखाई देगी है ना, जो आपकी इमेज बनी उसकी जो डेप्थ होगी दैट विल बी जो टोटल डेप्थ है 40, 20 प्लस 20 40 माइनस जो शिफ्ट हुआ एस नेट, वो माइनस कर देना. सो दैट इज द अपेरेंट डेप्थ है ना, ये आपका नेट शिफ्ट है. इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके 40 में से माइनस कर देना, उतनी डेप्थ पे इमेज दिखाई देगी और उतनी ही डेप्थ पे वेसल का बॉटम दिखाई देगा. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक. Yeah.